मेरे साथ ये साइड पर बेटा बुजुर्ग शख्सियत गुलजार खान, जिसको अल्लाह ताला ने तकरीबन 37 बच्चों से नवाजे, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? अल्लाह ने दिया, सो जो कुछ करता है अल्लाह करता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हर चीज़ अल्लाह करता है। तो आपका शुरू से यही 37 बच्चे टारगेट थी, आगे भी कोई प्लान है? आगे प्लान था, लेकिन मैं बहुत मीडिया वालों से अपील किया, लेकिन 3 शादी 4 शादी का वो लोगों का अपील किया, किसी ने हमारा को फरियाद नहीं सुना, तो इसकी वजह से अभी फिर बूढ़ा हो गया, अभी छोड़ दिया 14 शादी। तो आपकी 4 शादियाँ हुई थी? नहीं, 3 शादी हुआ, 4 शादी का इरादा था हो, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने इसको 37 बच्चों से नवाजे, जिसमें 13 बेटे हैं और 24 बेटियां मौजूद है। ये जो बच्चे अल्लाह ने आपको दिए, आपको सरकारी प्रोग्रामों में भी बुलाया जाता है, आपसे बातचीत किया जाता है? गवर्नमेंट वाला हो, ये है ना, गवर्नमेंट में अगर कोई नौकरी मांगता है या अगर कुछ मांगता है, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, रिश्वत। रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नम जाता है। गुलजार मामा, आप एक वडियाफ्ता आदमियों में शुमार होते हैं, दुख तो होता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको कोई बड़ा अवार्ड नहीं दिया किसी, क्योंकि आपने काम बड़े अवार्ड वाला किया। देखो, पाकिस्तान वाला ऐसा है ना, हर आदमी जान के लिए करता है। तुम्हारे लिए हमारे लिए कुछ नहीं करता है, वो जो जान के लिए करता है, हम इस पर खुश होते हैं। चाहे पाकिस्तान के लिए कुछ होता है, पाकिस्तान के लिए करता है, हमारे लिए नहीं करना है, कोई बात नहीं, आला देता है, लेकिन खाली पाकिस्तान कामयाब होएगा। चाचा, जो 7 बेटा है, ये आपका सबसे छोटा बच्चा है? ये सबसे हमारा छोटा बच्चा है, बहुत शैतान बच्चा है। हम एक पंजाबी को देता था, पहला एक ने मंगाया, मैं देता था, उसका माँ नहीं देता। अभी ये बोलता है हमको, क्या बोलता है, धमकी देता है, क्या बोलता है, हम अभी वो पंजाबी के पास जाएगा, तुम अगर पैसा नहीं देता तो हम पंजाबी के पास जाएगा। नहीं, तो ये आपका सबसे छोटा वाला बच्चा है? ये सबसे छोटा वाला है। अच्छा, इन सब बच्चों के नाम वगैरह पता है आपको? नाम नहीं है, सब नाम को नहीं आता है ना, लेकिन सब नाम को नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा बोल जाता है, लेकिन दिल के अंदर होता है, लेकिन बाहर मुँह से नहीं निकलता है कि वो फलाना है। देखो, ये कुरान में फैसला है, हर आदमी अल्लाह ताला रिज़क देते हैं, किसका काम किसका ज़्यादा, ना हुकूमत दे सकता है ना मैं दे सकता हूँ बच्चों को, उसका रिज़्क अल्लाह देता है। ये छोटा बच्चा है, इसको अल्लाह देता है, हमको भी अल्लाह देता है, तुमको भी अल्लाह देता है, ये भी नहीं है चाहे हमारा को बच्चा ज़्यादा है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हम खुद भी मारे, अभी 2 दिन हो गया हम अस्पताल से आया। आपने बताया आप दे रिकॉर्ड, हम खुद भी बीमार हो गया, बहुत सख्त बीमार हो गया, लेकिन फिर बाईपास ऑपरेशन भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से राजी है, बहुत खुश है। सही गुलजार में, उम्र कितनी हो गया आपकी? उम्र हो ऐसा है ना, हमारा तालीम नहीं है जो हम लेकर था, लेकिन पहला जो न्यूज़ मीडिया वाला हमको आता है वही बात करेगा हम आपको। अच्छा। उसने बोला तुम्हारा कितना उम्र है, हमारा को ये पता नहीं है कितना होगा, लेकिन अभी हमारा दिल कहता है उम्र ज़्यादा होगा या कम होगा, खुद दिल कहता है कि हमारा 25 साल उम्र है। अच्छा जी, अक्सर लोग सोचते होंगे गुलजार मामा क्या खाते रहते हैं, इतना अल्लाह ने तौफीक दिया 37 बच्चे। जो अल्लाह देता है वो खाता है, अल्लाह जो देता है वो खाता है। सही ये तो पता नहीं है, दाल देता है, सब्जी देता है, गुड़ देता है, सब अल्लाह देता है, जो हमारा तकदीर में लेकर है वो हमको खाता है। अच्छा गुलजार मामूमन, ये लोग सोचते होंगे, आपने अब ये बात आफ्टर रिकॉर्ड भी बताया कि मैं हकीमों के पास गया था, किस हवाले से आप हकीम के पास गए? हकीम के पास इस बारे में गया, चाहे हम 14 शादी मांगता था। अच्छा। 14 शादी मिलता नहीं है, तो मैं हकीम को बोला था हमारा 14 शादी का ख्वाहिश ख़त्म होएगा। अच्छा, क्या होगा, दवाई दे दो, दवाई 14 शादी का सब खत्म होएगा। अच्छा, तो हकीम ने क्या कहा? वो बोलता है तुम ये पथरी जाओ बोलता है, पटकना ही बोलता है, तो ये कहो तुम्हारा ये कम होएगा, तो मैं वो कहा यार, लेकिन मैदा ख़राब कर दिया, और इलाज नहीं हुआ, और इलाज नहीं होता है। वो भी क्या बोलता है, वो बोलता है हमारा ऐसा बीमार नहीं आया, ये पहला आप है जब तुम आया। हकीम बोलते हैं पहला बीमार आया आपकी तरह, जो बोलते हैं कि मेरी हमारा साथ ये दवाई नहीं है, नहीं था वो दवाई नहीं, तो जो तजुर्बा आप पर किया उसने मैदा खराब किया, वो मैदा खराब किया, थोड़ा सा फर्क हुआ लेकिन मैदा खराब कर दिया, जो वो बताया हमको। ये बच्चे अभी भी आपके साथ ही रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं? नहीं, अगर अलग अलग कर दिया अभी, क्यों बच्चे ज़्यादा हो गया, उसके बच्चे हो गया। अच्छा। उसके बीबी भी हो गया, एक घर में रहना नहीं सकता है, एक बीबी वाला ना एक बड़ा घर बनाया 7 करनाल का, सही, दूसरा बीबी ने और 4-5 करनाल का घर बनाया, उसके
बच्चे सही ज़्यादा हो गया, कम से कम वो 100-800 अंदाजा नहीं होगा, दूसरा को इतना का या कम या 50 होगा। सही। हमारा भी ये बाकी बच्चे हैं, तो इसलिए ये अलग अलग कर घर बना दिया। जो गुलजार माँ आखिरी ख्वाहिश कोई ख्वाहिश? बस कोई ख्वाहिश नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत सही होगा, नमाज पढ़ेगा, यूरदूस के साथ मिलेगा, बस ये ख्वाहिश है और कोई नहीं है। कितना दिन जिंदगी है, अच्छा से गुजरेगा। गुलजार माँ अमूमन सोचते होंगे लोग कि ये गुलजार मामा बचपन से क्या कर कर आया है, तो ये मुख्तसर सा अगर आप बता दें कि किस ज़िंदगी कैसे गुजारे, किस किस मसरूफियात में गुजारे, बच्चों को कितना टाइम दिया, परदेश भी किया है? अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल परदेश किया, बाकी बच्चों को साथ गुजारा, अच्छा गुजारा, खुशी से गुजारा, मेहनत कर दिया, दुश्मनी कर दिया, मेहनत किया, दुश्मनी किया, बच्चे के साथ गुजारा, 18 साल दहार गुजारा। गुलजार मामा अमूमन हमारे माशरे में एक बंदे एक शादी कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो दूसरा शादी कर लेते हैं तो उसके घर से दोजख बन जाता है, रोज़ाना लड़ाइयाँ होती है, ये होते हैं, तो आप ये किस तरह मेंटेन करते हैं इतने बच्चों को? हर आदमी को पता है जो औरत लड़ाई पे किस चीज़ पे करता है, अगर वो चूस तुम्हारा से बुरा होएगा तो चार शादी लड़ाई नहीं करेगा, वो सब आपस में प्यार करेगा। गुलजार मामा मलंग से इंसान है, दरिया दिल इंसान है, नरम दिल इंसान है, जो दिल में होता है वो मुंह पे भी होता है, ये बात नहीं है कि उसकी कोई बड़े बड़े ख्वाहिशात है। इसने जो ज़िंदगी गुजारा है ये आम लोगों की तरह गुजारा है, इसने खेती बाड़ी मुशक्क़तें किया हुआ है, और इसके बाद इसने जो ये भी नहीं है कि इसको अल्लाह ताला ने ये बच्चे दिए तो ये कोई बड़े खुराकें करता था या बकरे या दुम्बे रोज़ाना खाता था, नहीं नहीं आम नॉर्मल लोगों की तरह, आम मिडिल क्लास लोगों की तरह दाल चावल हो गया या बैंगन सब्जी जो भी मिलता था वही खाता रहा था। वो अल्लाह ताला ने इस पर इतना बड़ा फजल व करम किया हुआ है।